तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है गिवन दैट पी एंड क्यू आर पॉजिटिव, शो दैट द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन एक्सीड द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर नेचुरल लॉगरिथम बाय दिस इनफिनिट सीरीज। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में हिंट दे रखा है इसको सॉल्व करने के लिए कि तुम यूज कर सकते हो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का जो एक्सपेंशन है उसको यूज कर सकते हो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर अपन उसका एक्सपेंशन देखें टेन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का, तो वो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं उसकी डेफिनेशन अगर तुम देखोगे तो। और यहाँ पर इसको ln ऑफ 1+x ln ऑफ 1-x लिख सकते हैं, और फिर इसकी जो टेलर सीरीज है उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं ln ऑफ 1+x की, इसकी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो इवन वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और ओड वाली 2 टाइम्स हो जाएगी, और 2 को बाहर लोगे तो x+x³/3 x^5/5 इस तरीके से ये टेन ये h इनवर्स x इस तरीके से ये इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम x की जगह अगर x² पुट कर दो तो ये x² और यहाँ पर ये x^6 बन जाएगा, या x^10 बन जाएगा, या x^14 बन जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको तुम इस इनफिनिट सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हो समेशन आर की वैल्यू 1 to ∞ ऑफ दिस थिंग, वो सेम ही चीज है यहाँ पर। और अभी टेन एच इनवर्स ऑफ x² की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको देखें तो मैंने बताया था अभी वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे x की जगह तुम x² पुट कर दोगे तो वो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब यहाँ पर वो प्रूव करना है कि पी एन क्यू पॉजिटिव नंबर है तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन, तो ये जो और अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर नेचुरल लॉगरिथम, तो ये जो क्वांटिटी लाने के लिए यहाँ पर अपन अगर एक्स की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दें तो अगर तुम 1+x² / 1-x² को देखोगे तो वो इस तरीके से आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ऊपर देखोगे तो 2p+2q आएगा और नीचे देखोगे तो 4√pq आएगा, तो ये p+q/2√pq बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आया। और अभी ये इनफाइनाइट सीरीज यहाँ पर इस चीज के इक्वल थी, तो ये इनफाइनाइट सीरीज में 1/2r-1 है और x^4 दिस है, तो x अपन ने ये पुट किया है। और इधर जो 2 था उसको मैंने यहाँ पर इस साइड में इधर 2 2 कर दिया है, और उधर अपने पास 1+x²/(1-x²)p+q/2√pq आया था, तो ये इस तरीके से p+q/2 को अलग कर लिया एंड रूट ऑफ पी क्यू को मैंने पी क्यू की पावर हाफ कर दिया, और हाफ को यहाँ पर अपन आगे ले आएंगे। फिर अगेन ln ऑफ पी क्यू को ln p+ln q लिख सकते हैं। तो ये जो चीज अपन को दे रखी थी कि अर्थमेटिक मीन का लॉगरिथम और फिर लॉगरिथम का अर्थमेटिक मीन का जो डिफरेंस है वो इस इनफाइनाइट सीरीज के इक्वल होगा, तुम यहाँ से भी हिंट ले सकते थे कि इसमें इस चीज को एक्स पुट करना है, तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा तो तुम्हें इस चीज का एक्सपेंशन यूज करना था इसमें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।